और बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कड़ी सुरक्षा के बीच में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 23 जनवरी तक अयोध्या की सीमा सील कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। बिना पास के वाहनों की अयोध्या में एंट्री नहीं होगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। एसटीएफ से लेकर एटीएस के कमांडो की तैनाती है और अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। देश विदेश के हजारों मेहमान अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। 23 जनवरी तक अयोध्या की तमाम सीमा सील कर दी गई है। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिना पास के वाहनों की अयोध्या में एंट्री नहीं होगी और एसटीएफ से लेकर एटीएस के कमांडो तैनात है। अयोध्या में सेना के जवान भी तैनात है, पुलिस बल भी तैनात है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 23 जनवरी तक अयोध्या की सीमा सील कर दी गई है। तो बड़ी खबर ये अयोध्या से, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। बिना पास के वाहनों की एंट्री अयोध्या में नहीं होगी और एसटीएफ से लेकर एटीएस के कमांडो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है और 23 जनवरी तक अयोध्या की सीमा सील कर दी गई है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे साथ में कबलजीत सिंह जी, हमारे साथ में अयोध्या से जुड़े हैं। कबलजीत सिंह जी, अयोध्या में आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है और सुरक्षा के एहतियात के तौर पर एटीएफ से लेकर एसटीएफ के कमांडो की तैनाती है। किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर? मनीष जी, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी है, इतनी जबरदस्त है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी तरीके की कोई हरकत कोई कर सके, क्योंकि अयोध्या को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। अभी 9 बजे से सभी लोगों का प्रवेश जो है बिल्कुल से बंद कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से, यहाँ तक कि पैदल भी प्रवेश नहीं कर सकता अयोध्या में। और बाकी सुरक्षा की बात करें तो यूपीपी के जवान के अलावा यहाँ पे एसपीजी 19 तारीख से यहाँ पे जो वो तैनात है, और जो भूमि आपका जन्मभूमि परिसर है वो एसपीजी के अंडर में है। इसके अलावा ब्लैक कैट कमांडो और सब पूरी तरीके से जो वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हर जगह चप्पे चप्पे पे बैरिकेडिंग लगा रखी है। बिना किसी चेकिंग के कोई भी गाड़ी, यहाँ तक कि अयोध्या शहर के अंदर भी प्रवेश नहीं कर रही है। जी बिल्कुल जी, कमलजीत सिंह जी, अयोध्या की छतों पर और सरयू नदी तक जो स्नाइपर्स है, एआई है, एंटी ड्रोन तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर ये माना जाए कि अयोध्या जो है अभेद्य किला बना हुआ है। इसकी सुरक्षा करीब 10,000 से ऊपर जवान तैनात है। इस समय अयोध्या जो पूरी तरीके से अभेद्य किला बना हुआ है, क्योंकि जो राम जन्मभूमि परिसर है उसके आसपास के जितने भी घर हैं जिनकी हाइट अच्छी है, जिनकी हाइट ज्यादा है, लगभग सभी घरों पे पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, ताकि वहां से कोई भी कैमरा या किसी तरीके की कोई भी हरकत जो है वो प्रयास इस तरीके का करने का प्रयास न करे। और हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कितने हेलीकॉप्टर है और कितनी मशीन गन है, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए? हाँ जी, कमलजीत सिंह जी, मेरा सवाल ये था कि हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, कितने हेलीकॉप्टर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है? जी, हेलीकॉप्टर की संख्या तो बता पाना मुश्किल है, उसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कितने हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर जो रन कर रहे हैं और बाकी हर तरीके से जो सुरक्षा को पूरा जो लिहाज रखा जा रहा है, और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो रहा है तो उसकी पूरी बाकायदा पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, पूरी तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना होने की संभावना जो ना रहे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका कमलजीत सिंह जी, और पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। बड़ी खबर अयोध्या से इस वक्त की, जहां पर आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, इसके लिए अयोध्या अवैध किला बन चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। मशीन गन से लेकर AK-47 के लिए कमांडो तैनात है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी की जा रही है। जगह जगह पर कमांडो सायरन बजाती हुई गाड़ियां नजर आ रही है। अयोध्या की सीमा अब सील कर दी गई है। बिना पास के वाहनों की एंट्री नहीं है।
एसटीएफ से लेकर एटीएस के कमांडो की तैनाती है।